डॉक्टर, मैं अपनी किडनी बेचना चाहती हूँ। क्या? जी डॉक्टर, और मैंने सुना है कि किडनी बेचने से बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, और जिन लोगों को किडनी की जरूरत होती है वो किसी और की किडनी लेके अपना इलाज करवा लेते हैं और बदले में उन्हें पैसे देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ना ऑर्गन बेचना एक क्राइम है। डॉक्टर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। तुम पागल हो गई हो, मैं अपने हॉस्पिटल में ऐसा वैसा कोई काम नहीं करता। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए, मुझे सच में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। तुम शांत हो जाओ, क्या मजबूरी है तुम्हें? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं उनकी इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने जब यहाँ के बारे में सुना तो इसलिए मैं यहाँ पे चली आई किडनी बेचने के लिए। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ अपनी किडनी बेचना चाहती हूँ और उसके बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। क्या हुआ तुम्हारी माँ? मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। देखो, हम ट्यूमर का इलाज नहीं करते, उसके लिए ना तुम्हें कैंसर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ भी जाके हो आई, लेकिन वहाँ कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी वेटिंग है और मैं अपनी माँ के इलाज के लिए इतना नहीं रुक सकती हूँ। देखो तुम, देखिए आप मेरी किडनी कैसे भी बिकवा दीजिए, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, और आपके पास तो इतने पेशेंट आते हैं ना, किसी न किसी को तो जरूरत होगी ना सर किडनी की। देखिए आप समझिए, यहाँ ये सब नहीं होता है, तो एक काम करो, आप दोबारा वहीं जाओ और एक बार दोबारा जाके बात करो। ठीक है। क्या बोले डॉक्टर ने? यार उन्होंने फिर से ऑर्गेनाइजेशन जाकर बात करने को बोला है। पर हम ऑर्गेनाइजेशन तो गए हैं ना, कोई फायदा नहीं है जाने का वहाँ। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सिर्फ बात टालने के लिए ऐसा बोल दिया, कोई इलाज वगैरह नहीं करना चाहते ये लोग। कोई नहीं, तू परेशान मत हो, हम चलेंगे, दोबारा चलेंगे। लेकिन मुझे पता है वहाँ जाकर कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया, एक बार जाने में क्या ही जाता है, चल लेंगे। चल ठीक है। सर, मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, हमें उनका इलाज करवाना है, प्लीज हमारी कुछ मदद कर दीजिए। आई एम सॉरी बट अभी ऑलरेडी हॉस्पिटल में काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है, आपका नंबर आते आते 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने? सर प्लीज़ देख लीजिए ना, अगर कुछ हो पाए, हम 6 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकते। देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा था ना कि वो डॉक्टर हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। एक्सक्यूज मी, वैसे आपने पेशेंट का नाम क्या बताया? जी सविता देवी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ना आपको पहचानने में शायद कुछ गलती हो गई, आप कल अपनी माँ को ले आइएगा, हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन हो जाएगा। सच में डॉक्टर? जी आप कल उनको ले आइएगा, ऑपरेशन से पहले हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो हम कल से वो स्टार्ट कर देंगे। फिर आपने तो कहा था कि 6 महीने की वेटिंग है, तो फिर अभी तुरंत? वो एक्चुअली कल मेरे पास डॉक्टर दयाल का कॉल आया था, उन्होंने ही आपकी माँ का केस हमें रिकमेंड किया और बोला है कि केस को प्रायोरिटी पर रखा जाए। डॉक्टर दयाल ने ऐसा बोला? जी, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपके माँ के ऑपरेशन का सारा खर्चा उठाएंगे, तो आपको पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, कल आप अपनी माँ को ले आइए। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखा मैंने बोला था ना, एक बार चल लेते हैं, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि हमें एक बार यहाँ आ जाना चाहिए था, और डॉक्टर दयाल ने तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। सच ही कहा है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अब देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल हम आंटी को ले आते हैं, चेकअप भी करवा लेना।